देखो आज मैं चेकोस्लोवाकिया, जिसको चेक रिपब्लिक बोलते, इस देश के राजधानी का जो शहर है, कैपिटल सिटी प्राग, प्राग करके, इस सिटी में खड़ा हूँ और अभी एयरपोर्ट से आया हूँ। अभी देखो एयरपोर्ट से ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस यही करके बस आपको लाके यहाँ छोड़ देगी। ये मेन ट्रेन स्टेशन है प्राग का, ये देखो उसका मैं आपको दर्शन कराता हूँ ताकि आप कभी यहाँ आए तो नज़र आए, ध्यान रहेगा। और यहाँ से आप, ये बहुत बड़ा ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से आप शंगेन कंट्री, जो सेंट्रल यूरोप के कंट्री, यहाँ से आप ट्रेन से किसी भी देश में जा सकते हो। अगर आपको इससे भी सस्ता चाहिए जाना किसी और कंट्री में, जैसे आपको हंगेरी जाना हो, बुडापेस्ट जाना हो, वियना जाना हो, या फिर बर्लिन जाना हो, या फिर एम्स्टरडेम जाना हो, तो यहाँ से फ्लिक्स बस निकलती है, जो यूरोप में बड़ी फेमस है, फ्लिक्स बस निकलती है। तो ये फ्लिक्स बस, ये जो प्राग सिटी है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, जिसके ऊपर जिस सिटी में खड़ा हूँ, इस सिटी में फ्लोरेंस करके बस स्टेशन है, वहाँ से सारी बस निकलती है और ट्रेन ये स्टेशन से निकलती है। अगर आप इसी स्टेशन के आसपास कहीं रहते हो, क्योंकि ज़्यादा आकर के टूरिस्ट इसी स्टेशन के आसपास कहीं रहते, क्योंकि यहाँ से जो मस्त सी प्लेसेस नज़दीक है, जैसे वेंचला स्क्वायर है, फिर नेशनल म्यूज़ियम है, फिर आपका ये जो है ना चार्ल्स ब्रिज है, ये सारे वॉकिंग डिस्टेंस पे, और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसान है, इसलिए ज़्यादा करके लोग यहाँ रहते। तो फिर यहाँ से अभी आप अगर घूमना हो गया तो यहाँ से आप ट्रेन से किसी और कंट्री को जा सकते हो, या तो फिर बस से जा सकते हो। तो बस से दो तरीका है, एक पहला फ्लोरेंस बस स्टेशन जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, 2-3 किलोमीटर, 2-1 किलोमीटर पर, अगर आपको उतना भी नहीं चलना है तो इस स्टेशन पे जैसे आप आ जाते हो यहाँ से भी फ्लिक्स बस निकलती है। ये देखो मैं चार्ट दिखाता हूँ फ्लिक्स बस का, ये देखो इस स्टेशन के बाहर, ये देखो ये स्टेशन है, जैसे एयरपोर्ट एक्सप्रेस बस, अब यहाँ तो एयरपोर्ट से आपको यहाँ छोड़ दिया, अब यहाँ से जैसे आपको किसी और जगह पे फ्लिक्स बस से जाना है, तो इसके सामने देखो ये स्टेशन का नाम है, ये नाम है देखो हल्वानी कभी हलवानी नादराजी करके मेन ट्रेन स्टेशन है। पर यहाँ पर अभी फ्लिक्स बस का टाइम टेबल लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्लिक्स बस का टाइम टेबल, इनका दोनों का पैसेंजर का थोड़ा गड़बड़ कम होने दो। ये देखो अभी देखो ये बस है, ये देखो कहाँ कहाँ निकल रही है। ये पोलैंड की सिटी है, और या देखो ये सारी अलग अलग कंट्रीज की सिटी है, देखो ये भी पोलैंड की सिटी, यहाँ से पोलैंड प्राग से पोलैंड जाएगी, ये देखो और ये हंगेरी भी जाएगी, देखो ये बुडापेस्ट जा रही है, देखो यहाँ से बुडापेस्ट जा रही है, इससे अलग अलग यहाँ से सारी जगह पे, ये देखो एडबर्ग जाएगी, फिर बुडापेस्ट का नेप्लीगेट बस स्टेशन यहाँ जाएगी, बुडापेस्ट एयरपोर्ट पर जाएगी, और ड्रेसडन जाएगी, देखो जो जर्मनी का सिटी है ड्रेसडन, वहाँ जाएगी, ये जर्मनी के अलग अलग गांव के नाम है यहाँ जाएगी, और बहुत सारे है, देखो ये सारी जगह पे ये बसेस यहाँ से निकलेगी, समझ गए ना आप। ये देखो यहाँ से ये सारी बसेस निकलेगी, कौन सी फ्लिक्स बस निकलेगी। तो अभी मैं आपको ये स्टेशन अंदर से दिखाता हूँ, ये जो मेन ट्रेन स्टेशन है प्राग का, ये अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये स्टेशन के आजू बाजू में रहना, यहाँ पर होटल्स हॉस्टल बहुत सस्ता है, खाना भी सस्ता है, और कहीं सिटी में कहीं अगर आप आवागमन करते हो तो सस्ता भी है। यहाँ पर सारा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, अंडरग्राउंड ट्रेन है, ट्राम है, बसेस है, ट्रेन है, सारा सब कुछ है। ये आप सामने जो डोम दिख रहे हो ना, वो नेशनल म्यूज़ियम है यहाँ का, ये जो सामने, ये देखो ये सामने दिख रहे हैं नेशनल म्यूज़ियम, बस इसके तले पे ही वेंचेस्ला स्क्वायर है जहाँ यहाँ का फेमस है। अभी चलो मैं आपको स्टेशन दिखाता हूँ, ये अंडरग्राउंड ये जो है ना पास बाईपास, इससे भी मैं आपको लेके जाऊँगा उस तरफ, रास्ते के उस तरफ, क्योंकि सीधा रास्ता क्रॉस करना मुश्किल है, यहाँ पे हाईवे चल रहा है बाजू में, बड़ी गाड़ियाँ ज़ोर से चल रही है। जैसे ही आप ये स्टेशन से नीचे उतरते हो, अगर आपको टैक्सी करना है तो यहाँ पर है, देखो सारा टैक्सी भी है, ये अंडरग्राउंड टैक्सी स्टैंड भी है यहाँ पर है, देखो ये। अगर आपको बस नहीं करना है, आपको सस्ता तरीका नहीं आजमाना है, या फिर ट्राम नहीं पकड़ना है, या फिर अंडरग्राउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं इस्तेमाल करना है, तो यहाँ अच्छी तरह से पैसा लगाओ और मस्त फिर प्राइवेट टैक्सीज है यहाँ पर।
फिर आपको 10 रुपये का चीज़ आपको 100 रुपये खर्चा करना पड़ेगी। ये देखो अब ये जो मैं ट्रेन स्टेशन की तरफ ले आया, बहुत ही बड़ा स्टेशन है ये। ये देखो यहाँ नीचे सारे शॉप्स है, ये देखो ये सारे टाइम टेबल लिखे, पर हमको समझते नहीं, ये अलग ही लैंग्वेज है इनकी, चेक रिपब्लिक की जो अलग ही लैंग्वेज है, ना हम पढ़ पाते ना समझते। ये देखो ये ट्रेन स्टेशन है, और भी अंडरग्राउंड है, आपको और भी अंदर जाना है, नीचे ये एलिवेटर है, नीचे जाना है, नीचे और भी नीचे जाना है, और भी नीचे जाना है। ये देखो ये रेलवे स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है हालांकि। ये देखो अगर आपको कुछ टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, या फिर पेशाब करना है, तो ये देखो ये WC यहाँ लिखा है, पर ये आपको हमारे इंडिया में जैसा फ्री है वैसा नहीं, आपको एक यूरो देना पड़ेगा। अगर आपको एक बार पेशाब करना है तो आपको 80 रुपये देना पड़ेगा। ये देखो सामने, इतना आसान और सस्ता नहीं है ये। देखो स्टेशन के ऊपर से आने के लिए ये सीढ़ियाँ है, मैं आपको वहीं ऊपर भी लेके जाता हूँ, ऊपर से स्टेशन का नज़ारा दिखाता हूँ। आपको यहाँ पानी भी पीना हो तो $2, 2 यूरो या 1 यूरो, 1.5 यूरो अलग अलग रेट है, यानी कि एक बॉटल 80 रुपये का या 100 रुपये का, 150 रुपये की पड़ेगी आपको एक बॉटल। ये देखो ये ऊपर ट्रेन से कुछ अंडरग्राउंड है, ये प्राग का मेन ट्रेन स्टेशन है। देखो यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी है, कुछ गाड़ियाँ नीचे से ट्रैवल कर रही है। ये मैं आपको ऊपर लेके आया था, ज़रा मुझे दिखाना था आपको, फिर मैं अंडरग्राउंड लेके जाता हूँ आपको। फिर देखो अब मैं नीचे आया, बहुत ही लंबा है, मैं तो थक गया हूँ भाई ऊपर से कब से, पर आपको दिखाना था इसलिए मैं दिखाने के लिए मैं आ रहा हूँ। ये देखो ये सारे यहाँ पर लिखे हुए, पर आपको कुछ नहीं समझेगा, ये प्लेटफॉर्म 2 है, यहाँ पर नीचे ऊपर भी रास्ते है अलग अलग। ये देखो ये यहाँ लिखा है, पर पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में वर्ड लेटर्स है, पर ना हमको समझ पाता ना कुछ पाता है। यहाँ पर सिर्फ ट्रेन नंबर लिखा है, निकलने का टाइम और प्लेटफॉर्म नंबर इतना समझ रहा, बाकी वो स्टेशन के नाम तो पढ़ने को नहीं आ रहे। तो ये देखो ये चेक की लैंग्वेज लिखते हैं इंग्लिश वर्ड्स में, पर कुछ पता नहीं समझता नहीं, झेड़ के बाद एकदम यल लगा देते, यल के बाद एकदम झेड़ लगा देते, कुछ भी लगा देते, समझना मुश्किल है। यहाँ पर आपको इंग्लिश आती है फिर भी उसको इसका कुछ काम नहीं है, किसी को ज़्यादा समझने में नहीं आएगा, ना आपसे कोई इंग्लिश में बात करेगा। वैसे शॉपकीपर्स और ये होटल्स में बात होती है इंग्लिश में, वैसी कोई दिक्कत नहीं। स्टेशन पे कुछ ये देखो वहाँ लिखा है, देखो Prague हल्वानी नादराजी करके कुछ, ये ट्रेन स्टेशन है। देखो यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी है, ट्रेन तो बड़ी आरामदायक है ये, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। ये देखो उनके सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, इनके अनाउंसमेंट आप सुन रहे हो, अनाउंस तो कर रहे पर समझता कुछ नहीं है, इंग्लिश में नहीं है ना इसलिए। मैं बाहर लेके जा रहा हूँ आपको स्टेशन से। हमारे जैसे स्कूल की ट्रिप आई है वही है बच्चे सारे। ये सामने यहाँ पर टिकट की मशीन है, यहाँ टिकट वैलिडेट करके अंदर जाना है गाड़ी पकड़ने के लिए। ये स्टेशन है और यहाँ से मेट्रो भी निकलेगी आपको। ये देखो अब मैं बाहर आ रहा हूँ स्टेशन के बाहर, ही देखो कितना सुंदर गार्डन है, आराम से पेड़ों और झाड़ों के पेड़ों के नीचे बैठने के लिए। अच्छा भाइयों, मेरा वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे इसी तरह मोटिवेट करो।